राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। और काफ़ी दिन बाद मैं आपके साथ होम व्लॉग शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बैक टू बैक काफ़ी सारे त्यौहार लगे हुए थे और तुलसी विवाह था, देवउठानी एकादशी थी, कार्तिक मास जो है वो अपने संपूर्णता की ओर जा रहा था, मार्गशीर्ष का महीना शुरू होने वाला था, देव दीपावली भी थी और इस चक्कर में बहुत सारे काम थे और मेरे मोबाइल की स्टोरेज फुल हो गई, इसीलिए मेरे को दिवाली के बाद की सारी क्लिप्स डिलीट करनी पड़ी। तो ये ब्लॉग है, मतलब ये क्लिप देख पा रहे हैं, ये देवउठानी एकादशी की है, सॉरी देव दीपावली के दूसरे दिन की है। देव दीपावली के दूसरे दिन हमने जो भी दिवाली वाली लाइट्स थी ना उन्हें निकाल दिया था, तो जो इलेक्ट्रिशियन थे वो निकाल के चले गए थे, अब वो छोड़ के चले गए थे, तो मैंने उन्हें अच्छे से पैक करके और रख दिया, क्योंकि अगले साल हमें फिर यही यूज़ करने हैं और कुछ बहुत नए आ जाएंगे। तो क्योंकि कार्तिक मास जो है चल रहा था, तो यहाँ पे मैं आंवले का दीपदान कर रहा हूँ। ये आंवले का वृक्ष है जो मैंने घर में लगाया हुआ है, तो इसमें मैं शाम के समय में दीपक जरूर जलाता हूँ और इसके बाद में शाम की आरती वगैरह हो गई है और मैंने अपने ठाकुर जी का और श्री जी का शयन भी करा दिया, तो इसके बाद में जो भी बर्तन वगैरह होते हैं वो धुल के आ जाते हैं, तो उनको मैं उल्टा करके पोंछ कर रखता हूँ, क्योंकि पीतल और चांदी के बर्तनों को अगर आप पोंछोगे नहीं ना साफ़ कपड़े से, तो फिर उनके ऊपर दाग पड़ जाते हैं पानी के, और जो कि बहुत ही गंदे लगते हैं, और जब बर्तन साफ़ सुथरे और चमकते हैं ना तो पूजा करने में भी मन लगता है, और अगर बर्तन गंदे होते हैं, अच्छे नहीं दिख रहे होते हैं, तो फिर पूजा करने में भी बिल्कुल मन नहीं लगता है। और भाई त्यौहार जो है वो जा चुके हैं, और जो भी हमने मेकओवर वगैरह किया था सिर्फ उसे करके छोड़ना नहीं होता, उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है, डेली बेस पर डस्टिंग करनी पड़ती है। तो ये ग्रीन प्लांट का बंच था आर्टिफिशियल, जो कि मैंने दिवाली के मेकओवर में यूज़ किया था, आप सभी के साथ शेयर किया था, और अब इसकी केयर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दिवाली के करीब 10 दिन होने को हैं और अब ये इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है जिसकी मैं आपको लेवल नहीं बता सकता हूँ। आप धूल देख पा रहे होंगे इसकी पत्तियों पे, क्योंकि इसकी पत्तियाँ बहुत ही चौड़ी हैं, तो उन्हें मेरे को वैसे तो मैं डेली बेस पर इसको क्लीन नहीं कर पा रहा था, तो इसे मैं वीकली क्लीनिंग में से ज़रूर क्लीन करता हूँ, तो सैटरडे के सैटरडे में वीकली क्लीनिंग करता हूँ, तो आज सैटरडे था तो मैंने इसकी क्लीनिंग भी करना स्टार्ट कर दिया, और लगाने के बाद यूज़ करने के बाद आज मैं इसे पहली बार क्लीन कर रहा हूँ, तो एक एक पत्ती को मेरे को अच्छे से साफ़ करना पड़ा था, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा धूल चिपक गई थी और वो उसकी ग्लॉसी फिनिश को बिल्कुल मैट फिनिश में धूल ने बदल दिया था। तो इन सारी चीज़ों को सिर्फ लगाना ही काफ़ी नहीं होता, इन सारी चीज़ों की हमें केयर भी करनी पड़ती है बहुत ही अच्छे से, और अभी देखिए शाइन करने लगा, और ये जो इसका फ्लावर वास था ना, इस पर भी धूल काफ़ी जल्दी लग जाती है, तो इसको भी मुझे टाइमली क्लीन करना पड़ता है, तो मैं इन सारी चीज़ों को वीक में क्लीन कर देता हूँ। और ये जो फ्लावर वास है ना, ये वाइट कलर का है, हालांकि ये मैंने इसलिए यूज़ कर लिया क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है, ये पीछे चला जाता है वहाँ साइड कॉर्नर में, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप अपने घर में यूज़ कर रहे हैं तो याद रखिएगा, इन सारी चीज़ों का सिर्फ होना ही ज़रूरी नहीं होता, इन सारी चीज़ों को आपको क्लीन भी करना होता है, और वीकली क्लीनिंग में मैं हर चीज़ को क्लीन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो अपने रूम में फ्रेम्स लगा रखे हैं, मैंने नहीं लगा रखे हैं, लगे हुए थे, तो इनकी भी मेरे को क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें ग्लास लगा हुआ है और ये बहुत जल्दी धूल पकड़ जाता है, और कुछ दिनों में कुछ धूल बहुत ही ज़्यादा दिखाई देने लगती है, और अगर आप ये सारे काम टाइमली करते रहते हो ना, तो ये सारे काम बर्डन की तरह आपके ऊपर नहीं आते, अदरवाइज़ ये सारे काम इकट्ठे होते रहते हैं और फिर आपको बहुत सारा टाइम इन सारे कामों में देना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने ये जो बर्ड वाले फ्रेम लगाए थे ना, इनका मैंने मेकओवर किया था पहले, फिर इनको लगाए थे, मैंने अमेजोन से लिए थे, मैं एक बार फिर बता दूँ, किसी ने कमेंट किया था कि आपने कहाँ से लिए हैं, तो इनको भी मेरे को आगे पीछे अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि इनके ऊपर ग्लास नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे जाते हैं। और इसके बाद में ये जो मैंने ये नकली वाले गार्लैंड्स लगाए थे, एकदम फेस्टिव वाइब्स देते हैं, और ये एक सदाबहार चीज़ है, आप इसको लगा के रखिए हमेशा ही आपके कमरे को, आपके रूम को, या फिर किसी पर्टिकुलर कॉर्नर को, एक नया लुक देती रहेगी, आपको रिफ़्रेश करती रहेगी, बट ये धूल बहुत जल्दी पकड़ जाती है, तो इन
इनको आप लगे हुए क्लीन नहीं कर सकते हो। पहले इसको मैं अच्छे से मैंने निकाल लिया और उसके बाद में मैंने इसको क्लीन किया कपड़े से, साफ कपड़े से, और सारी डस्ट वगैरह मैंने इनकी निकाल दिए। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हो तो इनको आप बार बार धोना मत, क्योंकि धोने से ये ख़राब हो जाएंगे। इसके बाद में ये जो वॉल हैंगिंग थी ना, ये MDF बोर्ड की बनी हुई थी, इसको भी मैंने निकाल के अच्छे से साफ़ कर दिया है और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है और एकदम शाइन करने लगी। और इसके बाद में आ जाते हैं अपने साइड टेबल की तरफ। तो यहाँ पे मैंने जो साइड टेबल लगाया हुआ है, जिसमें मैंने एक लैम्प रखा हुआ है, उसी पर मैंने एक वुडन बॉक्स रखा हुआ था, तो ये भी काफ़ी धूल पकड़ गया था, तो इसको भी मेरे को साफ़ करना था। और इसको साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हालांकि ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही क्यूट लगता है, बट इसके मेंटेनेंस से काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें धूल बहुत जल्दी भर जाती है। इसके बाद में आ जाती है हमारी ये टर्किश लैम्प। ये मैंने बहुत पहले ली थी, ये मैंने अभी दिवाली पर रिसेंटली नहीं ली है, तो इसको मैंने क्लीन कर दिया। और ये मेरी टेबल है, तो ये देखिए मैंने इस पर एक रनर बिछा रखा है, टेबल मैट बिछा रखा है, तो इसको मैं अच्छे से झटक देता हूँ। बार बार मैं इसको नहीं धोता, क्योंकि इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना, इनमें अलग तरीके का एक स्टार्च होता है, और अगर हम इन्हें बार बार धोते हैं तो स्टार्च निकल जाता है और ये ख़राब होने लगते हैं, फिर इनका कोई मतलब नहीं रह जाता। यही सेम चीज़ आ जाती है स्विच बोर्ड्स के साथ में। आपके घर के स्विच बोर्ड्स को आपको साफ़ करते रहना चाहिए और टाइमली पॉलिश भी करते रहना चाहिए। मैं कभी पॉलिश करूँगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। मैं मंथ में एक बार पॉलिश ज़रूर लगा देता हूँ उनके ऊपर, जिससे ये शाइन करते रहते हैं। बाकी सूखे कपड़े से तो मैंने हर सैटरडे पहुँचता हूँ, जिससे ये हमेशा शाइन करते रहते हैं। बाकी होता क्या है, हम गीले हाथों से भी इन पर छू लेते हैं और कलर वाले हाथ लग जाते हैं, तो ये बहुत ही गंदे लगने लगते हैं। और स्विच बोर्ड अगर गंदे होते हैं ना, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और एकदम फालतू से बकवास से लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपका घर भी साफ़ सुथरा रहता है और आपके ऊपर काम का बर्डन भी नहीं रहता। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।